कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल हाल ही में सहारनपुर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए जवाब दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा देश को जोड़ा और दूसरी तरफ वो जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने आगे कहा, इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्य में सरकार चला रहा था। आखिर में राहुल गांधी ने लिखा, राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। बता दें इससे पहले कांग्रेस पीएम मोदी की इस टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग का रुख भी कर चुकी है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को आयोग के समक्ष इस विषय और अन्य मुद्दों को रखा। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य गुरदीप सप्पल शामिल थे।